वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 10, मोर अबाउट वाटर एनवायरमेंटल स्टडी इन क्लास 3। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन चिल्ड्रन। आज हम क्लास 3 में लेसन नंबर 10 मोर अबाउट वाटर पढ़ने जा रहे हैं, वो भी एनवायरमेंटल स्टडी में। हम क्लास 3 में ईवे सब्जेक्ट में लेसन नंबर 10 मोर अबाउट वाटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जैसे हम हमारी डेली लाइफ में डेली पानी पीते, जैसे पानी के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वाटर हमारे लिए लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही नेसेसरी, वाटर हमारी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग, सबको पानी चाहिए। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम मर जाएंगे। तो हर किसी को, चाहे वो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ह्यूमन बींग, जितने भी लिविंग क्रिएचर, उसे पानी चाहिए। हम पानी खाने के बगैर नहीं रह पाएंगे। टेक सम क्लीन वाटर इन अ ग्लास, लुक एट इट्स कलर, वॉट कलर इट इज। अभी आपके घर में पानी तो आता होगा, जैसे मम्मा टैंक में पानी, वाटर टैंक में पानी फिल करती होगी। अब पॉट होगा और आपके पास देखो अर्थन पॉट भी होगा, ऐसे पानी फिलिंग करने के लिए जग होंगे, बॉटल होंगे। देखिए आपके घर में जो फ्रिज होगी उसमें भी मम्मा वाटर बॉटल फिल करके रखती होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है घर में। तो आपको एक वन ग्लास ऑफ वाटर लेना है, आपको एक ग्लास में एक क्लीन वाटर लेना है। अब उसमें आपको देखना है कि व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर, पानी का कलर कौन सा है आपको देखना है। जैसे आपने पानी का कलर देखा और आपने फ्लावर लिया है तो उसे आपको स्मेल करना है। आपने फ्लावर की स्मेल को अगर स्मेल किया तो उसका स्मेल तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है। स्मेल अ फ्रेग्रेंट फ्लावर, डिड यू लाइक द स्मेल, नाउ स्मेल द वाटर, डज इट अ स्मेल। जैसे हम फ्लावर को कैसे स्मेल कर सकते हैं, फ्लावर की बहुत अच्छी खुशबू होती है। हम परफ्यूम हो गया या सोप हो गया या इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती की हम खुशबू अच्छी तरह से सूंघ सकते, स्मेल कर सकते। लेकिन हम, आपने अब देखा होगा पानी को हम स्मेल कर सकते हैं, पानी के अंदर कोई खुशबू आती है नो, पानी के अंदर कोई स्मेल आती है नो। टेस्ट द राइप मैंगो और चीकू और गुआवा, हाउ डज द राइप फ्रूट टेस्ट। अभी आपने देखा होगा, आपने पके हुए मैंगो को खाया होगा, पके हुए चीकू को खाया होगा, गुआवा को खाया होगा। आपने जब पके हुए मैंगो को खाया होगा उसका टेस्ट आपको बहुत ही स्वीट लगता होगा। अब आपने रॉ मैंगो को खाया होगा, जब कच्चा आम खाते होंगे तो देखो आपको आपको खट्टा लगता होगा, खटास जैसा लगता होगा। और ये आपने कच्चा चीकू खाया होगा तो आपको एकदम उसका टेस्टलेस लगता होगा, गुआवा भी आपको कच्चा लगता होगा। लेकिन जो राइप फ्रूट आप खाते होंगे उसका टेस्ट हमें स्वीट लगता है। अभी आपको वन ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक कर लेना, उसे पी लेना अच्छी तरह से। नाउ टेस्ट द वाटर, हाउ डज इट टेस्ट, व्हाट डज दिस टेल अस, प्योर वाटर हैज नो कलर टेस्ट और स्मेल। अभी जो क्लीन वाटर होता है, हमारा जो क्लीन वाटर होता है ना, साफ, जो फिल्टर करके आता है, जैसे हमारे एक्वागार्ड में हम वाटर को फिल करते हैं, जो क्लीन वाटर आता है, जैसे मम्मा आपके लिए बिस्लरी वाटर लाती होगी, पापा भी पीते होंगे बिस्लरी वाटर। तो हमारे घर में जो फिल्टर से वाटर जो प्योरीफाई होता है, जैसे आपके घर में ऐसी कोई मशीन होगी, एक्वागार्ड होगी, जिसमें मम्मा वाटर रखती होगी, जिससे हमारा जो वाटर अच्छी तरह से प्योरीफाई हो जाता है। लेकिन जो प्योर वाटर होता है, जो साफ सुथरा पानी देता है, उसका कोई कलर नहीं होता, ना ही उसका कोई टेस्ट होता है, स्मेल होता है। जैसे हर चीज़ का कलर होता है, तो पानी का कलर होता है, पानी का कोई कलर नहीं होता, ना ही उसका कोई टेस्ट होता है, हमें कोई स्वीट सार लगता नहीं, ना इसकी कोई खुशबू होती है। न्यू टर्म ट्रांसपेरेंट, इफ यू कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज सेट टू बी ट्रांसपेरेंट। अगर आपने कोई ऐसा सब्सटेंस देखा जिसका कोई कलर नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। ओपेक, इफ यू कैन नॉट सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज सेट टू बी ओपेक। अगर आप अभी आप किसी सब्सटेंस को देख सकते हो, मतलब पानी हमें दिखाई दे रहा है, पानी हमें दिखाई दे रहा है लेकिन उसका कोई कलर नहीं है, मतलब पानी का कलर कैसा रहेगा, मतलब उसे आप पानी को देख सकते हो, उसमें हमारी शक्ल बराबर दिखाई दे रही है, लेकिन वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे ओपेक, हम जैसे हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते, इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रू सब्सटेंस, आप चीज़ें भी नहीं देख सकते हो, तो क्या है, वो ओपेक है। अभी यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट आपको घर में करना है। दिस शुड बी डन विथ एडल्ट सुपरविजन, आपको मम्मी डैडी की या बड़े भाई बहन की हेल्प लेनी होगी। लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट ऑन अ टेबल, अभी आप ये एक्सपेरिमेंट अगर घर में कर रहे हो तो आपको एक टेबल लेना है, मम्मी है या डैडी है, आपके बड़ी भाई बहन है, उनकी हेल्प लेना है। तो आपको मोमबत्ती जलानी है और टेबल के पास रख देनी है। लुक एट थ्रो अ कार्डबोर्ड, अब कार्डबोर्ड लेना है, जैसे कार्डबोर्ड होता है ना, कार्डबोर्ड से आपको देखना है ना। लुक एट द सेम कैंडल थ्रो अ ग्लास पैन, व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे आपने एक टेबल लिया, यहाँ पे आपने कैंडल जला दिया, यहाँ पे आपने कार्डबोर्ड लिया और यहाँ से आप देख रहे हो,
वी कैन नॉट सी द फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड बट यू कैन सी इट थ्रू द ग्लास. अभी यहाँ वॉट डज डेट मीन, अभी आपने देखा आपने फ्लेम तो आप जो फ्लेम है वो कार्डबोर्ड से तो देख नहीं सकते कि यहाँ पे कार्डबोर्ड है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको सिर्फ कार्डबोर्ड दिखाई दे रहा है. बट यू कैन सी इट थ्रू द ग्लास, लेकिन अगर हम उसे कांच के पास रखेंगे, जैसे जो ग्लास होता है कांच के पास रखेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो कैंडल की जो फ्लेम है कैसे वो कैसे जल रही है. कब कार्डबोर्ड इज ओपेक, मतलब कार्डबोर्ड क्या है, कार्डबोर्ड से हमें कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं दे, बट ग्लास इज ट्रांसपेरेंट. अभी यहाँ पे कार्डबोर्ड, जैसे हम मेरे आपके घर में विंडो होगी बच्चों, देखो आपने विंडो देखा होगा, ऐसी विंडो होती है ना, देखो विंडो के अंदर ऐसी ग्लासेस लगे होंगे जो कांच के बने हुए रहते हैं, जो कांचेस लगे रहते हैं, जैसे हम थ्रो ग्लास, या आपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आपने ट्रांसपेरेंट डोर देखा होगा, हाँ ट्रांसपेरेंट डोर देखा होगा, आपने ट्रांसपेरेंट विंडो देखी होगी, तो वहाँ पे जो विंडो है विंडो से हम देख सकते हैं कि कौन आ रहा जा रहा है, कौन सी चीज़ें हैं. तो यहाँ पे ग्लास ट्रांसपेरेंट चीज़ें से हम कैंडल की लाइट को देख सकते हैं. नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर. अभी आपको कैंडल देखना है, वो भी थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर. जैसे आपने यहाँ पे बच्चों क्या रखा, कैंडल रखा, और यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे आपने कैंडल रखा, यहाँ पे आपने वन ग्लास ऑफ वाटर. व्हाट डू यू फाइंड इट, द कैंडल कैन बी सीन थ्रू द वाटर इन अ ग्लास एज वेल. व्हाट डज दिस मीन, वाटर इज टू ट्रांसपेरेंट, मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा अगर हम ट्रांसपेरेंट ग्लास वाटर ऑफ ग्लास रखा है और हमने कैंडल रखा है, अगर वहाँ से हम देखना चाहते हैं कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं तो हमें सही तरीके सही से हमें कैंडल लाइट नज़र आ रही है हम, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट चीज़ से कैंडल की लाइट को अच्छी तरह से देख सकते हैं. तो इस तरह हमें क्या पता चला, वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है. जैसे पानी में हमारी शक्ल भी दिखाई देती होगी, आपने देखा होगा ना, पानी में हम अपनी चीज़ भी देख सकते हैं, पानी क्योंकि क्लीन है तो हमें साफ़ सुथरा कोई भी चीज़ें वहाँ उसके अंदर डालेंगे तो हमें दिखाई देगी. अगर हम फिश डालेंगे या स्टोन डालेंगे या कोई सॉइल डालेंगे तो हमें नज़र आएगी. प्योर वाटर हैज़ नो कलर, नो स्मेल, नो टेस्ट, इट्स ट्रांसपेरेंट. अगर जो एक साफ़ सुथरा पानी होता है, जैसे आपके घर में एक्वा गार्ड होगा या कोई ऐसी फिल्टर मशीन होगी जिसमें आपकी मम्मी पानी रखती होगी, तो जो फिल्टर वाला वाटर होता है उसका कोई कलर नहीं होता, ना ही उसका कोई स्मेल होता, ना ही उसका कोई टेस्ट होता है, ट्रांसपेरेंट. जैसे आपने ऐसा वेस्ट वाटर देखा होगा, जैसे जो आपने देखा होगा जो अंकल आपने रेन वाटर में, देखो अंकल लोग जो रहते ना गटर की सफाई करते रहते, देखो आपने गटर का पानी कितना देखा होगा, कितना स्मेली रहता है, उसमें कितनी गंदी बास आती है. तो ऐसे पानी को हम पीना पसंद करेंगे नहीं, क्योंकि वो वेस्ट वाटर रहता है जिसमें हम कपड़ा धोए रहते हैं. आपने देखा होगा आपकी मम्मी बर्तन धोती होगी, कपड़ा धोती होगी, क्या वो पानी बहुत प्योर रहता है, वो गंदा पानी रहता है. अभी बच्चों एक और एक्सपेरिमेंट आपको करना है. टेक सम वीट, जवा, फ्लावर, सम वाटर एंड टेक टू डिशेज एंड टू ग्लासेस. अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वीट लेना है, चावल लेना है, जवार का आटा लेना है, सम वाटर लेना है, टू डिशेज टू ग्लासेस. पुट अ लिटिल फ्लोर इन वन ऑफ डिशेज. अभी आपको इतने एक प्लेट लिया और उसमें आपको गेहूं का आटा लेना है, जवार का आटा लेना है उसमें, और उसमें वाटर ऐड करना है. पोर सम वाटर इन द अदर डिश. नाउ पुट फ्लोर इन वन ऑफ द ग्लासेस. पुट सम वाटर इन द अदर ग्लासेस. आपको क्या करना है, पुट सम फ्लोर इन वन ऑफ द ग्लासेस एंड पुट सम वाटर इन द अदर ग्लासेस. अभी आपने क्या किया और आपने क्या लिया, टू डिशेस लिया, दो प्लेट लिया और उसमें क्या डाला, और टू ग्लासेस लिया, दो ग्लासेस लिया और उसमें आपको इस तरह रखना है, और आपने दो जग लिया और आपने क्या किया, आपने दो प्लेट लिया उसमें एक में आपने अभी आपने टू डिश लिया, एक में आपने वीट का आटा डाला, दूसरे में आपने जवार का डाला, यहाँ पे दो ग्लास लिया, एक ग्लास में आपने क्या किया, वीट का आटा डाला और दूसरे ग्लास में आपने वाटर ऐड किया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अ स्मॉल हीप ऑफ फ्लोर इज फॉर्म इन द डिश एंड हीप ऑफ फॉर्म इज फॉर्म इन द ग्लास एज वेल एज a small form of flour is formed in the dish and a heap of flour is formed in the glass as well. However, the water takes the shape of the flat or glass. अब अभी यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने डाला, हमने यहाँ पे जवार के फ्लोर को डाला या वीट के फ्लोर को डाला, तो उसने अपना शेप ले लिया और यहाँ पे पानी ने भी अपना शेप ले लिया ग्लास में हमने डाला, और यहाँ पे हमने ये प्लेट में ये ग्लास में हमने क्या डाला, फ्लावर डाला, वीट फ्लावर, जवार फ्लावर, तो उसने भी अपना शेप ले लिया, वाटर ने भी, सबने अपना अपना एक शेप ले लिया. व्हाट डज दिस टेल अस,
वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच पार्ट व्हिच यू पोर इट। मगर वाटर को हम किसी भी चीज में डालेंगे, अगर हम ट्रायंगल चीज में डालेंगे तो ट्रायंगल शेप ले लेगा, सर्कल चीज में डालेंगे सर्कल ले लेगा, अगर हम रेक्टेंगल शेप में डालेंगे तो रेक्टेंगल ले लेगा। तो पानी हमारा कोई भी शेप ले सकता है, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। वाटर डज नॉट हैव शेप ऑफ इट्स ओन, दैट्स व्हाई स्प्रेड व्हेन इट स्पिल ऑन द फ्लोर। मतलब वाटर का कोई शेप नहीं होता, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जैसे सन मून सर्कल फॉर्म में होती है, और आपने जैसे समोसा खाया होगा और तो वो ट्रायंगल शेप का होता है, और आपने एग खाया होगा वो ओवल शेप का होता है, या चीकू खाया होगा ओवल शेप का होता है। लेकिन हमारे वाटर का कोई शेप नहीं होता। जैसे अगर हम हमारा वन ग्लास ऑफ वाटर अगर हमारे फ्लोर पे गिर गया तो जिस साइड में जाना चाहेगा वो जा सकता है, मतलब वो कोई भी स्पीड कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। लेफ्ट साइड कोई राइट साइड में अगर वो गिरा है तो राइट साइड लेगा, लेफ्ट साइड में गिरा तो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन ले लेगा। तो उसका कोई शेप नहीं है, वो कोई भी शेप ले सकता है, उसको जिस शेप में डालेंगे वैसे ही रहेगा। यूज योर ब्रेन पावर। We can see the bottom of the pool of water if only if the water is clean. We can see the bottom of a pool of water if the water is clean. Why? अभी हमने क्या किया, हमने pool of एक water लिया है, अब वो clean क्यों है, क्योंकि हमें उसने अगर हम water को जितना filter करके रखेंगे साफ सुथरा रखेंगे वो अच्छा रहेगा, उसमें जो germs रहेंगे वो अच्छी तरह से मर जाएंगे। While carrying a bucket of water down a slope, the bucket fell down, the water was split. Will the water from the heap or will it flow away? अगर हमने एक बकेट में पानी लिया है और वो स्लोप पे एक पहाड़ से गिर जा रहा है तो वो क्या एक ही जगह पानी रुक जाएगा? पानी तो रुकने वाली चीज़ नहीं है, पानी लगातार बहते रहेगा, वो कहीं ठहरता नहीं है। मोर अबाउट इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, अगर जिस चीज़ में डालेंगे, अगर हम उसने ग्लास में डाला या डिश में डाला या कोई या बॉटल में डाला तो वो वाटर उस चीज़ का शेप ले लेगा। स्प्रेड ऑन द फ्लेट सर्फेस, वो स्प्रेड मतलब कैसा कहीं भी फैलेगा। इट फ्लो डाउन ऑन द स्लोप, जैसे कोई भी स्लोप पे वो बहेगा। जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो जहाँ भी बारिश गिरती है वहाँ पे पानी बहते रहता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पानी का कोई शेप नहीं होता है, कि ना ही उसका कोई स्मेल होता है ना ही कोई कलर होता है। तो पानी जो है हमारा ट्रांसपेरेंट रहता है, कि इट टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, मतलब वो किसी भी चीज़ का शेप ले सकता है, जिसमें भी डालेंगे, ग्लास में डालेंगे या बकेट में डालेंगे या डिश में डालेंगे, वो कोई भी शेप ले लेगा। इट स्प्रेड ऑन द फ्लैट सर्फेस, अगर वो उस पर हम जमीन पर गिराएंगे तो कोई भी शेप ले लेगा। इट फ्लो डाउन ऑन द स्लोप, मतलब वो किस पे कैसे स्लोप पे, अगर वो स्लोप पे गिरेगा तो स्लोप में ही गिरते जाएगा, मतलब वो पहाड़ पे गिरेगा या जमीन पे गिरेगा, किसी भी डायरेक्शन में गिरेगा तो पानी हमारा गिरते जाएगा। द थ्री स्टेट ऑफ वाटर, हमारा थ्री स्टेट ऑफ वाटर क्या है, ट्राई दिस, प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब इन अ ग्लास, सी व्हाट हैपेंड टू देम आफ्टर अ वाइल। अभी आपको क्या करना है बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे वन ग्लास ऑफ वाटर लेना है आपको एक ग्लास में क्या करना है बच्चों, नाउ प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब इन अ ग्लास। आपने दो ग्लास लिया, एक ग्लास में आपको आइस क्यूब रखना है। जैसे आपके घर में फ्रिज होगा तो फ्रिज के अंदर मम्मा आइस क्यूब तो रखती होगी फ्रीजर के अंदर। सी व्हाट हैपेंड टू देम आफ्टर अ वाइल, अभी आपने क्या किया, एक ग्लास में आपने आइस क्यूब लिया और उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया, पाँच मिनट में तो नहीं होगा मेल्ट वो, या उसे फॉर एग्जाम्पल आपने उसे आपने आधे घंटे के लिए रख दिया, आपने 30 मिनट्स के लिए उसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर में बाहर टेबल पे रख दिया, तो आप उसको आप उसे आधे घंटे के बाद देखोगे तो वो जो आइस क्यूब है वो क्या बन जाएगा, कौन सी फॉर्म ले लेगा, कि कौन सा शेप ले, वो वाटर बन जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आइस क्यूब था पहले वो सॉलिड था, फिर बाद में वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड हो गया। जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी, अगर हम आइस वाली आइसक्रीम खाते हैं तो कुछ देर बाद जैसे पाँच मिनट या दस मिनट वो डे बाय डे रूम टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट होने लगती है। ट्राई दिस, अभी ये एक्सपेरिमेंट भी आपको करना है। डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ अडल्ट अंडर हिज हर सुपरविजन, अभी आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मम्मी डैडी की या बड़े भाई बहन की हेल्प लेनी होगी। हीट सम वाटर और बर्नर, वॉट डू यू सी आफ्टर सम टाइम, अभी आपको क्या करना है, एक कंटेनर में पानी लेना है। जैसे आपके घर में चावल तो पकता होगा तो कंटेनर में मम्मा कंटेनर ही लेती होगी, आप वाटर भी बॉयल करती होगी, तो आपको एक कंटेनर में पानी लेना है, उसे हाई फ्लेम में उसे जलाना है, उसे बर्न करना। तो आप क्या देखोगे, वाटर जो है अगर वो हाई फ्लेम में बर्न हो रहा है लगातार, उसे कम्प्लीटली हीट मिलते जा रही, तो बर्न होके क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेपर। हम किसको बोलेंगे, इसको हम एयर बोलेंगे।
द वॉटर बिगेन टू बॉइल कीप इट बॉइलिंग फ्रॉम सन टाइम ऑब्जर्व इट वॉट डू सी देर इज लेस वॉटर इन द बीकर वाई देर इज लेस वॉटर वॉटर देन बिफोर कि यहाँ पे जो पानी क्योंकि हमारा सारा जल गया है पानी जल के क्या हो गया है एयर बन गया वो वेपर बन गया है क्योंकि हमारे जो कंटेनर में आप उसके थोड़ी देर के बाद देखोगे 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद देखोगे कि कंटेनर में कोई पानी नहीं बचा क्योंकि हमारा सारा पानी जल हो गया क्योंकि हमने ज़्यादा हाई फ्लेम में उसे जलाया है बन किया है. यूजिंग टोंग होल्ड अ स्टील प्लेट इन द स्टीम स्टीम कमिंग फ्रॉम द वॉटर ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड रूमिनेट वट डू ऑन द अंडर साइड ऑफ द प्लेट ड्रॉपलेट ऑफ द वॉटर हैव फॉर्मड. अभी आपने जैसे मम्मा वाटर गर्म करती होगी पानी गर्म या चावल बनाती होगी तो देखो मम्मा उसके ऊपर ऐसा ऐसा डिश भी रखती होगी तो देखो आपने देखा होगा वो जो डिश रहती है उसमें ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं तो वो क्या रहते हैं ऐसे छोटे थोड़े थोड़े पानी आपने देखे होंगे ना वो क्या रहते हैं स्टीम रहते वो सब क्या रहते छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट आ जाते हैं वो भाप की वजह से. वेयर दिस ड्रॉपलेट कम फ्रॉम ये भाप कहाँ से कैसे आते हैं हमें जानना है. व्हेन वाटर बिकम वेरी कोल्ड इट फ्रीज देन इट टर्न इनटू आइस व्हेन आइस इज लेफ्ट अनकवर इट गेट हीट फ्रॉम द एयर अराउंड इट दैट इज इट फ्रॉम वाटर व्हेन वाटर गेट इनफ हीट इट टर्न इनटू वेपर द बॉइल्ड वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न इनटू वेपर दैट इज व्हाई द वाटर इन द बीकर वॉज रिड्यूस्ड. As steam cool, it turn into water. As steam cool, it turn into water. The plate held in the steam was cool. So the steam then collected underlying, underside cooled down and droplet of water were formed. अभी जैसे आपने क्या मैंने आपको क्या बताया अगर ठंडा पानी आपने देखा होगा जैसे जब बहुत ज़्यादा पानी ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है बच्चों वो आइस क्यूब बन जाता है. जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा फ्रिज होगा फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होगा उसके अंदर आपने आइस देखी होगी बर्फ देखे होंगे. जब पानी को बहुत ज़्यादा ठंडक मिल जाती है तो वो क्या आइस में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन जैसे हम पानी को हम गर्म करते हैं जैसे हम पानी को गर्म करते हैं जैसे मैंने एक कंटेनर में पानी लिया उसे उबाला तो वो क्या कन्वर्ट एयर में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें एयर में कन्वर्ट हो जाता है. फिर जब पानी पूरी तरह मेल्ट हो जाता है पूरी तरह बहने लगता है तो वो जैसे हमने पानी को जैसे हमने आइस को क्या किया मेल्ट किया आइस को हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया ग्लास में करके लेकिन फिर वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है. अगर वो लिक्विड को हम गर्म करते हैं हाई फ्लेम पे तो वो वेपर बन जाता है. यही वेपर जो रहता है बच्चों वो क्या बन जाता है जो बीकर में ख़त्म हो उड़ तो जाता है लेकिन जो इसलिए बीकर में पानी नहीं बचता क्योंकि सारा पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया है. जैसे जैसे स्टीम कूल होता है टर्न वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो आपने देखा होगा प्लेट में क्या बचता है छोटे छोटे आपने देखे होंगे वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे. फिर ये जो रहते हैं जो स्टीम ना छोटे छोटे वेपर को कलेक्ट करके क्या बना लेती है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बना लेती है. जो स्टीम डेट कलेक्टेड इन अंडर साइड कूल एंड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉर्म जितने जो स्टीम रहती है वो भाप वाले पानी को जमा करती है तो क्या बना देती है वाटर बबल्स बना देती है. न्यू टर्म स्टेट द फॉर्म इन विच सब्सटेंस में बी फॉर्म वाटर वेपर इन द फॉर्म इन विच वाटर इज हेल्ड इन द वेल. अभी स्टेट अभी वाटर का भी स्टेट होता है स्टेट ऑफ मैटर अपने देखा सॉलिड वाटर सॉलिड में भी होता है लिक्विड में भी होता है गैस में भी होता है. वाटर वेपर द वाटर वी यूज एवरी डे इज अ लिक्विड स्टेट आइस इज सॉलिड स्टेट वेपर इज द स्टेट ऑफ वाटर इन विच इट्स गोज वाटर वेपर इन द गैसेस स्टेट ऑफ वाटर. जैसे आइस आप डेली वाटर यूज करते हैं लेकिन वाटर थ्री फॉर्म में होता है सॉलिड स्टेट मतलब जैसे आपके घर में आइस क्यूब होगी और लिक्विड स्टेट जैसे आप डेली वाटर पीते हो तो वो लिक्विड शेप में है. गैसेस स्टेट जैसे आप पानी गर्म करते होंगे या राइस पकाते होंगे जो पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में. वाटर वेपर भी किसमें फॉर्म हो जाता है गैस. जैसे गैस का कोई फेस नहीं होता उसका कोई फिगर नहीं होता तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ट्राई दिस अभी आपको एक और एक्सपेरिमेंट करना है. Have some fun. Take a glass, wipe it dry inside, outside with a clean piece of cloth, and place 5 or 6 ice cube in the glass. अभी आपको क्या करना है ग्लास लेना उसके अंदर आपको क्या करना है wipe it dry inside, outside the clean piece of cloth. आपको क्या करना है ग्लास को अच्छी तरह से अंदर बाहर एक कपड़े से साफ कर देना है. फिर उसके अंदर क्या करना है आपको 5-6 ice cube उस ग्लास के अंदर डालना है. फिर आपको क्या देखने को मिलेगा What do you see? It is no surprise if the glass become wet on the inside. But you see that the outside of the glass has also become moist. Isn't it strange? आपने क्या देखा होगा कि आपने एक ग्लास लिया एक अच्छा सा ग्लास लिया उसको अंदर बाहर अच्छे से साफ किया अंदर भी बाहर भी अच्छे से कपड़े से साफ कर दिया उसके अंदर अपने आइस क्यूब डाला ऐसा
आइस क्यूब डाला है, फिर आपने देखा कुछ थोड़ी देर के पाँच दस मिनट के बाद आप क्या देखोगे, आपको एक वाटर फॉग बाहर दिखाई देगा, पानी के ग्लास के बाहर। What does this tell us? The air around the glass contain water vapor. The air around the glass contain water vapor. When you put ice cube in the glass become cold. That make the air around the glass cold too. Water vapor in the air also cool. Form very tiny droplet of water. They make the glass moist. अभी आपने क्या किया? एक glass लिया, उसको अच्छी तरह से कपड़े से साफ किया, फिर उसके अंदर ice cube आपने डाला। तो आपने क्या हुआ, कुछ देर बाद आपको जो पानी का ग्लास है वो बाहर आपको ठंडा लग रहा है और उस पर आपको वाटर ड्रॉपलेट बाहर नजर आ रही है। ये क्योंकि वाटर वेपर जो है हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट है, जो किसमें कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे ड्रॉपलेट वाटर बन गए। और हमारा जो पानी का ग्लास है बाहर कैसा लग रहा है, पानी बाहर का कैसा लग रहा है, मॉइस्ट लग रहा है, हमें ठंडा लग नजर आ रहा है। अभी आपको एक और एक्सपेरिमेंट करना है। दिस शुड, ये बहुत ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो आसानी से आप घर में कर सकते हो मम्मी डैडी की हेल्प लेके। दिस शुड ओनली बी डन अंडर अडल्ट सुपरविजन। व्हेन चपाती हैव बीन मेड एंड द ग्रिडल इज स्टिल वेरी हॉट, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन, व्हाट डू यू सी? फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, व्हाट डू यू सी? द ड्रॉपलेट स्प्रिंकल ऑन द ग्रिडल बिकम फाउंड लाइक अ बीड्स एंड डिसअपीयर इवन एज वी वॉच। जैसे आपने देखा होगा मम्मा आपके घर में गर्मा गर्म चपाती बनाती होगी, तो तावा देखो बहुत गर्म रहता है, जब चपाती बना लेती हूँ, जब उस गर्म तावे में अगर हम पानी के कुछ स्प्रिंकल डालेंगे, कुछ बूंदे डालेंगे, तो देखो वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या किस में बन जाता है, जो पानी का जो रहता है वो, जो जैसे आपने मम्मा चपाती बना ली, चपाती बनने के बाद तावा हमारा कितना गर्म रहता है, बहुत ही हॉट रहता है, अगर उसमें हमने कुछ पानी की बूंदे डालते हैं, कुछ छोटे छोटे बूंदे डालते हैं, तो वो कैसा, वो किसमें हमें आवाज़ एक साउंड नज़र आएगा, छन्न से साउंड आएगा, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉट डज दिस टेल अस, इसे क्या पता, द ग्रिडल इज वेरी हॉट, द हीट फ्रॉम द ग्रिडल चेंज द वाटर इनटू वाटर वेपर ऑल एट वंस। क्योंकि इससे क्या पता था, जो हमारा जो ग्रिडल है, हमारे तावा बहुत ही गर्म है, अगर उस पर हम पानी डालेंगे तो वो हमारा जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट होके वो भाप बन जाएगा। यूज ऑफ ब्रेन पावर, व्हाई डू यू वेट क्लोथ ऑन द क्लोथ लाइन बिकम ड्राई आफ्टर सम टाइम। अभी यहाँ पे जो अभी आपको हमारा जो गीला कपड़ा रहता है वो कुछ देर बाद हमारा क्यों सूख जाता है, क्योंकि हम बाहर कपड़े सुखाने को तो डालते हैं, तो ये इसकी जो वाटर वेपर क्या करता है, ये पूरा वाटर क्या करता है, उसे सुखा देता है, कि बिकॉज ऑफ सनलाइट, क्योंकि इसके ऊपर हीट बहुत पड़ती है, सनलाइट जो रहता है वाटर को पूरा, वो इसका जो लिक्विड रहता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सनलाइट जो इसकी जो इसका जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ट्राई दिस, टेक अ वाटर इन अ ग्लास एंड पिंच ऑफ सॉल्ट इन योर वाटर, स्टडी विद दिस, व्हाट डू यू सी? अभी आपको ये एक और एक्सपेरिमेंट करना है कि आपने एक ग्लास लिया है, उसमें आपने पानी लिया है, टेक ग्लास इन वाटर, उसमें कुछ नमक डाले हैं, तो आपको उसमें स्पून से हिलाया तो आपको क्या देखने को मिला है? We do not see that salt in the water anymore. With a spoon, place a drop of this water on your tongue. You find it tastes salty. अगर आप जैसे इसमें तो आपने सॉल्ट डाला है और उसको अच्छे से चम्मच से घुमा दिया, अगर वही पानी आप पियोगे तो आपको वाटर का टेस्ट कैसा लगेगा, सॉल्टी, क्योंकि इसमें आपने सॉल्ट ऐड किया। अगर आप शुगर डालते तो आपको टेस्ट स्वीट लगता। What does this tell us? The water was salty. It means that salt is still there in the water, though you cannot see. In other words, the salt had dissolved in water. मतलब हमें सॉल्ट तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वाटर जो सॉल्ट है अच्छी तरह से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया है। तो some substance dissolved in water. कुछ ऐसे सपने जो वाटर के अंदर अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। Use your brain power. Several substances dissolved in water. Names of them. अभी ऐसे कुछ substances हैं जो वाटर में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। Soil, sugar. अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। अब कुछ जैसे ऑयल डिसॉल्व नहीं होते, कैरोसिन वगैरह डिसॉल्व नहीं होते। डू यू नो वाटर हैज बी फ्रोजन टू मेक आइस, मेनी पीपल है रेफ्रिजरेटर इन द इन विच आइस कैन बी मेड। जैसे आपके घर में फ्रीज होगी तो मम्मा देखो आपके आपका सेट होगा, ऐसा सेट होगा, ऐसा आइस का सेट होगा, तो मम्मा उसके अंदर वाटर डाल के फ्रीजर में रखती होगी। मेनी पीपल है रेफ्रिजरेटर विच आइस कैन बी मेड, इन फैक्ट आइस इज मेड इन लार्ज क्वान्टिटी। आइस कैंडी, आइस फ्रूट इज मेड बाय फ्रीजिंग वाटर टू विथ शुगर, फ्रूट जूस एंड कलर हैव बीन एडेड। अभी यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज में, जैसे आप जाते होंगे, अगर आपको आइसक्रीम लेना होता होगा, आपको आइसक्रीम या आपको कैंडी या चोकोबार खाना होता है, तो देखो जो अंकल के पास एक बड़ी सी फ्रीज रहती है, वो फ्रीज में से ही निकालता है ना, क्योंकि अगर वो फ्रीज से बाहर निकालेगा तो सारी आइसक्रीम उसकी क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, तो वहाँ पे अगर उन्हें बर्फ़ बनाना होता तो उन्हें ज़्यादा क्वान्टिटी में आइस बनाना रहता है, कैंडी, आइस फ्रूट, आइसक्रीम बनाना रहता है, तो वो किस में रखते हैं,
वो एक मतलब एक प्लेट में आइसक्रीम रखते हैं और कैंडी रखते हैं और उसे अच्छी तरह से फ्रीज कर देते हैं, वो जो उनकी जो आइसक्रीम है आइस फ्रूट है जो है अच्छी तरह से बन जाए। इसी तरह वो आइसक्रीम बनाते हैं। अगर आइसक्रीम को हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो तो मेल्ट हो जाएगी। व्हाट यू लर्न, हमने क्या क्या सीखा? वाटर हैज नो कलर, स्मेल टेस्ट, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, पानी का कोई कलर स्मेल टेस्ट नहीं होता, पानी ट्रांसपेरेंट है। वाटर की टेक द शेप ऑफ कंटेनर विच कैप्ट, पानी को जिस चीज़ में डालेंगे वो चीज़ की वो शक्ल ले लेगा। वाटर स्पेन ऑन अ फ्लैट सरफेस फ्लो डाउन ऑन अ स्लोप, पानी को अगर जहाँ भी डालेंगे वो गिरने लगेगा। वाटर फॉर्म इन थ्री स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैसेस, मतलब वाटर की थ्री शेप होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस और सपरेंट डिसॉल्विंग वाटर, कुछ ऐसे सपरेंट जो पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, ऑयल और कैरोसिन वगैरह डिसॉल्व नहीं होते। ऑलवेज रिमेंबर यू नो डैट लिक्विड वाटर हैज मैनी यूजेस बट द सॉलिड आइस गैसियस वाटर ऊपर ऑल्सो यूजफुल मैनी वे, जैसे आपने देखा होगा जो लिक्विड वाटर रहता है हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पानी पीने में, कपड़ा धोने में, नहाने में, प्लांट्स एनिमल को देने में, लेकिन जो सॉलिड आइस है वो भी आइस उसकी हम आइसक्रीम बनाते हैं, आइस क्यूब बनाते हैं, आइस कैंडी बनाते हैं, चोकोबार, और जो गैसियस रहती है वो भी फॉर्म में इस्तेमाल होती है, उसको हम जैसे कुकिंग में, स्टीमिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हमारा जो वाटर है हमारे लाइफ में यूटिलाइज होता है, कि आपने देखा कि वाटर किस तरह हमारी लाइफ में काम आता है। तो आई होप ये लेसन आपको सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।